बट कल्पना जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हो एक्सपीरियंस इट वाज टोटली टफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा टफ थी कंपटीशन, एंड अमेरिका, लंदन, न्यूजीलैंड, फिजी, नीदरलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से टॉल टॉल वेरी वेरी खूबसूरत लड़कियां थी इन सबके सामने. मैं मुझे तो कोई लग ही नहीं रहा था कि मैं जीत पाऊंगी, बट पता नहीं आप लोगों की दुआ, आप सबके आशीर्वाद और मेरे देश के लिए मैंने ये फाइनल इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ था? ए मैक्सिको. हाँ, मेक्सिको पलाया डेल में. बना मजे क्या लगा इस इवेंट में आपको, क्या लगा जो भारत से बिल्कुल डिफरेंट आपको लगा कि यहाँ पर? ऑफ कोर्स भारत से डिफरेंट तो मतलब कुछ था ही नहीं, मतलब था इन द सेंस कि उन लोगों की जो इंटेलिजेंस थी वो सीरियसली मुझे बहुत भा गई, और दे आर लाइक अग्रेसिव वुमन, ऑल ऑफ वुमन एंड हार्ड वर्कर, टू हार्ड वर्कर, बहुत सारी हार्ड वर्कर्स थी. तो मुझे तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं जीत पाऊंगी कि नहीं, बहुत ज़्यादा यू नो टफ था, बट फाइनली आई वन. आपने यहाँ से इस कंपटीशन के लिए गई थी तो मन में क्या ख्याल था? डर था मैं डर रही थी, और लास्ट मोमेंट तक मैं डर ही हुई थी कि क्या होगा क्या होगा, यू नो आई एम टोटली आई वाज नर्वस. जब ये अनाउंस किया गया कि आप मिस यूनिवर्स, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मेरे साथ जो मेरी इंडियन और भी दो जो वुमेन थी वो भी दोनों मेरे लिए बहुत खुश हुई. एंड जो हमारी यूएसए की जो यूएस नेशनल जो डायरेक्टर विक्टोरिया बेथम, वो भी बहुत खुश हुई, लाइक सी इज की इन दिस एज यू आर वेरी फिट, यू आर अग्रेसिव, यू आर हार्ड वर्कर, सो मे बी सी सिलेक्ट मी. इंडिया की नई आइकॉन है और आप मिसेस यूनिवर्स है, बहुत सारी मिसेस आपके लिए, आपका एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के? बस मैं तो इंडिया के हर एक मिसेस को यही मैसेज देना चाहूँगी, सी आप एक इंस्पिरेशन मतलब बन सकती हो, और आप फिट रहोगी, आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव कर सकती हो, तो आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है, फैमिलीज के लिए भी अच्छा है, और नया कुछ करो, मेरा तो यही कहना है. क्या एक बात ऐसी होनी चाहिए जो मिसेस को मिसेस यूनिवर्स बना सके? एक क्वालिटी मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ जब ऐसे पेजेंट्स होते हैं राइट, तो बहुत सारी कंट्रीज़ की वुमेंस लड़कियाँ इकट्ठी होती है, तो हर एक के थॉट्स थिंकिंग्स अलग होती है. तो मेरा मानना है कि आप सबके साथ प्यार से जुड़े रहोगे तो ऑब्वियसली आपको सब अपने ही लगेंगे. वो चीज मन में क्या थॉट आया जब जैसे ही अनाउंस किया गया कि आप मिसेस यूनिवर्स हो गई है, मन में क्या थॉट आया? मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी. किसका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा सामने आया? मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल माय सपोर्टिंग सिस्टम, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, माय चिल्ड्रंस एंड आप सब की दुआएं, आप सब मुझे याद आए. थैंक यू कल्पना जी, बहुत-बहुत शुक्रिया. नमस्ते इंडिया. मिसेस यूनिवर्स जीत चुकी है, तो इसके आगे क्या प्लान है और क्या जर्नी है? अच्छा, मैं इसके आगे ना मैं बेसिकली मैं वुमेंस के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, लाइक यू नो दैट कि हमारी कंट्री में, मैंने पहले भी बोला था जब मैंने महाराष्ट्र से रिप्रेजेंट किया था और मैं जब महाराष्ट्र से जीत कर आई थी, एंड अभी भी वही कहना चाहती हूँ कि मेरा तो बस यही एक मोटिव है कि मुझे ना वुमेंस को इंस्पायर करना है, लाइक यू आपको नहीं पता है कि अभी भी हमारे देश में छोटे छोटे गांवों में अभी भी वुमेंस की हालत बहुत ख़राब है, लाइक समटाइम्स फैमिली से, समटाइम्स सोसाइटी से. तो मुझे इन लोगों के लिए मतलब बहुत कुछ करना है, एंड मुझे सपोर्ट लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, तो भी मैं लूँगी, और बेसिकली बस मेरा यही है. एक लाइन में बताएंगे कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटी मींस क्या होता है, वो एक्सप्लेन करेंगे हमारे भारतीय नारियों को? ब्यूटी आपके शरीर से नहीं होती है, ब्यूटी आपके दिल से, आत्मा से जुड़ी हुई होती है. अगर आपका इफ़ यू आर प्योर हार्टेड, सो आपकी ब्यूटी ऑटोमेटिकली आपके फेस पर आएगी. दिस इज़ माई लाइक माई जर्नी थी, उसमें नगमा खान का कितना सहयोग था, कितना सपोर्ट? या नगमा, आई लव यू नगमा, ऑलवेज सी एनकरेजिंग मी, कल्पना नाउ यू आर फिट, तेरे बच्चे इतने बड़े हैं फिर भी तू कुछ ना कुछ करती रहती है, तो भाई यू आर नॉट लाइक कि तू ज्वाइन हो जाए इसमें. सो नगमा का तो ऑब्वियसली मैं हमेशा उसके लिए तो बोलना ही चाहूँगी.